दादी ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींच कर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना यह शानदार आइडिया। हाँ पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ ऐसे। बढ़िया यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह वफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वफल बनाना है। जी माफ करना लेकिन यह दो के साथ तेज होगा। हाँ पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ बहुत स्वादिष्ट। खैर
क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वफल तैयार है, अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है, मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह और यहाँ नूडल्स है, इस नूडल से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो इसे यहाँ डाला, चलो देखती हूँ क्या होता। वाह ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है, शाबाश। लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है, न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम, अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो, कहाँ है? यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ, मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यह मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा बस। और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है, इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना, अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है, यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है,
और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, ये बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है, मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुड़ चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है, हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है, और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए। यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्या गड़बड़ है। परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओ हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है, या बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है, और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ, कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो, ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है, और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए नए सांचे में, यह शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वह क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया, केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खोलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है, बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं, किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे, ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। यह कितना सुंदर है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो यह चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है, और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा, क्यों नहीं। थोड़ा और डाला मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया, यह क्या है? मीठा सिरप, और इतना ही नहीं। वाह, ऊपर से
थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर, जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं, इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बैकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बैकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है, लेकिन शेफ प्रतियोगी की सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया, और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से, सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डाले। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है, चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा, इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, यह केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है, मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और यह तैयार, एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज? मेरे सैंडविच में ये कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया, और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओ वाह, चीज बैकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई, मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए। चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओ, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है। और इधर शेफ, यहाँ सब नौ सीखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी हजार वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो, वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है, यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने दो ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन।
वाह देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन, इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बस कटे हुए चिकन भी सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह ये सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन क्या तुम अभी भी सब्जियाँ काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह ये शेफ के डेस्क के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है, है ना? हाँ ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। पहले दौर में मेरे लिए एक फ्राइड एग बनाओ, यह मेरा फेवरेट नाश्ता है। आसान। मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ और विज्ञान मेरी मदद करेगा। मैंने पहले ही सीख लिया है कि केचप कैसे बढ़ाया जाए। अपनी बहन के लिए कुछ भी। सबसे पहले मुझे तवे पर एक सांचा लगाना होगा। मेरा सांचा खरगोश के चेहरे की तरह है। अब आगे हम अंडे के सफेद भाग को योक से अलग कर सकते हैं। इसे करना जरूरी है क्योंकि मेरे खरगोश की आंखें योक है और बाकी का चेहरा सफेद भाग से होगा। ये बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलना चाहिए। दादाजी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये प्यारा लग रहा है। हाँ बढ़िया, यह मेरे काम शुरू करने का समय है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे चश्मा मत पहनिए, आप हर बार फर्श पर गिर जाते हैं। मैं विज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर यह अंडे पर मैग्नीफाइंग रे का परीक्षण करने का समय है। लगता है आपने इसे बढ़ाया नहीं बल्कि इसे कम किया है, और ये बहुत मजेदार है। यह मजाक वाली बात नहीं है, कुछ गलत हो गया, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी भी इस अंडे को बड़ा करने की कोशिश करूंगा। ये दूसरी बार जरूर काम करेगा। यह काम किया? तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अब यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, असली जादू है, और इसका मतलब है मेरे फ्राइड एग वास्तव में जादुई होंगे। इस विशाल अंडे को पैन में डालने का समय है। निश्चित रूप से तोड़ना संभव नहीं है, काट कर करना होगा। तुम्हारा यह साइंस बकवास है। अब मैं अपना कौशल दिखाती हूँ। मैं विकी के लिए वास्तव में कुछ अलग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे अंडे को विशेष सांचों में तोड़ना होगा। एक अंडे के लिए एक मोल, फिर इन सांचों को उबलते पानी में डुबोना होगा। जबकि अंडे पक रहे हैं मैं एक सैंडविच बनाऊंगी। सबसे पहले हमें एवोकाडो को कुचलने और ब्रेड पर लगाने की जरूरत है। तैयार अंडे को इसके चारों ओर लगाने की जरूरत है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई खरगोश लॉन में बैठा हो, है ना? ये बहुत प्यारा। मुझे अपना बनी अधिक पसंद है, उसकी आंखें इतनी बड़ी है। और मैं दुनिया के सबसे बड़े फ्राइड एग बनाने वाला शेफ बन गया हूँ। विकी ने पक्का ऐसा पहले नहीं खाया होगा। थोड़ा केचप जिसे मैंने बहुत शुरुआत में बढ़ाया था, वो अभी यहाँ बुरा नहीं होगा। तो विकी ये एक विनर चुनने का समय है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है मैं पहले अपनी बहन के खरगोश वाले फ्राइड अंडे को ट्राई करूंगी। आइडिया अच्छा है। और इसका स्वाद भी लाजवाब है। मुझे सच में यह पसंद आया। ओह मैं बहुत खुश हूँ।
शेफ ने मेरे लिए इतना दिलचस्प क्या तैयार किया है। वाह, फिर से बनी, लेकिन इस बार आइडिया पूरी तरह से अलग है। चलो मैं इसे चेक कर देखती हूँ। स्वादिष्ट है ना अंडा? हाँ, लेकिन मुझे एवोकाडो से नफरत है। मैं इसको जल्दी से बाहर थूकना चाहती हूँ। ऐसा कैसे? और यह क्या है दादाजी? यह कितना विशाल अंडा है। नहीं, मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं दूंगी। तो इस दौर का विजेता स्पष्ट है बहन। बढ़िया फ्राइड एग के लिए धन्यवाद। अरे, मुझे पता था विक्की इसे पसंद करेगी, उसे खरगोश बहुत पसंद है। और दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कॉकटेल बनाए। मुझे कुछ अच्छे रेसिपी पता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प काम है। कॉकटेल आसान, मेरे लिए अलग अलग तरह के लिक्विड्स को मिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैं स्टिक पर लॉलीपॉप बनाना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं लॉलीपॉप को लिक्विड रूप में कोन में डालता हूँ, जिसके बाद मैं वहाँ एक स्टिक डुबो देता हूँ। पहले चीनी के साथ इसे कोट किया जाता है। अब बस टाइमर सेट करना है, लॉलीपॉप जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ। हाँ, दादाजी सच में सो गए। हाँ, अब ये कम शोर मचाएंगे। और मैं कॉकटेल के लिए स्ट्रॉबेरी, स्प्राइट और कुछ बर्फ मिलाना चाहती हूँ। और अब मैं इसे एक ब्लेंडर में रखूंगी ताकि मुझे एक असली कॉकटेल मिल जाए, या कहूँ तो यह इसका पहला भाग होगा। अब आगे दूसरी चीज, आम की बारी है। मैं इसे भी स्प्राइट और बर्फ के साथ मिलाऊंगी, जिसके बाद मैं इस विशाल ग्लास में दूसरी परत डालूंगी। लेकिन यह अंत नहीं है, अब मेरे फेवरेट ब्लूबेरी का उपयोग किया जाएगा। यह मेरे कॉकटेल की आखिरी तीसरी परत होगी। यह किसी सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटलों की तुलना में अच्छा निकला। वाह, कितना सुंदर है। और अगर मैं इसे स्ट्रॉबेरी स्लाइस और एक सुंदर स्ट्रॉ से सजाती हूँ तो यह शानदार कॉकटेल एक असली मास्टरपीस में बदल जाएगा। ओह, सब कुछ तैयार हो गया है, लॉलीपॉप बन गया है। तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? देखो ये कितने अच्छे क्रिस्टल की तरह दिख रहे हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं एक ग्लास लेता हूँ और उन्हें रंगीन चीनी में डिप करूंगा। उसके बाद हमें इन ग्लासों के अंदर लॉलीपॉप डालना है, थोड़े बर्फ और स्प्राइट भी डालना है। यह न केवल बहुत स्वादिष्ट कॉकटेल निकला बल्कि बहुत सुंदर भी है। जिल, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, मुझे एक कूल आइडिया मिला। अपने कॉकटेल में मैं विक्की की सबसे फेवरेट कैंडीज को मिलाऊंगी। मैं स्किटल्स कैंडीज से शुरू करूंगी, यहाँ तक कि मैं उन्हें खाने से अपने को रोक नहीं सकती। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें एक्वेरियम के तल पर पत्थरों की तरह भर दूंगी। फिर बर्फ और गमी मछली की बारी है। और सबसे जरूरी चीज नीला फैंटा है, यह कॉकटेल का आधार होगा। देखो, मेरा कॉकटेल एक असली एक्वेरियम की तरह लग रहा है। विक्की इसे पसंद करेगी, उसे मछली से प्यार है। ओह, ये कॉकटेल कितने अच्छे लग रहे हैं। शायद मैं पहले अपनी बहन की समुद्री कॉकटेल को ट्राई करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट, खास तुम्हारे लिए बहन। शेफ, आपने भी अपना बेस्ट दिया है। कमाल का स्वाद। मैंने कोशिश की है। दादाजी, मुझे निश्चित रूप से आपसे ऐसी सुंदरता की उम्मीद नहीं थी। मुझे यह भी नहीं पता कि पहले कौन सा कॉकटेल आजमाना है, शायद लाल। एक बड़ा प्लस यह है कि आपने न केवल एक कॉकटेल बनाया है बल्कि लॉलीपॉप के साथ एक कॉकटेल बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी, आप जीत रहे हैं। दादाजी, क्या आप सुन रहे हैं? आप जीत गए सच में? हुर्रे पोती, धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम्हें मेरे लॉलीपॉप जरूर पसंद आएंगे। तीसरे दौर में मेरे लिए कुछ अलग तरह का सलाद तैयार करें। सलाद आसानी से यह किया जाएगा। मैंने कभी सलाद नहीं बनाया है, मुझे लगता है यह आसान होगा। लड़कियों, आराम से रहो, मैं पहले करूंगा। मेरे पास एक शानदार योजना है। हर कोई जानता है कि वैसी सब्जियां सबसे स्वादिष्ट होती हैं जिसे आपने अभी अभी अपने गार्डन से तोड़ कर लाया हो। तो क्यों ना मैं अपने घर में बगीचा बनाऊं जहां से मैं ताजी सब्जियां तोड़ सकूं। जैसे कि मैं सलाद के पत्ते लगाऊंगा, इसके लिए बस मिट्टी वाले गमले में लेटस का बीज लगाना होगा। बीज वैसे एक्सपेरिमेंटल है, इसे कुछ ही सेकंड में बढ़ना चाहिए। हमें बस अच्छे से पानी देना है। दादाजी, आपका पानी बर्तन के नीचे बह रहा है। ओह, खैर कोई बात नहीं, यह सिर्फ पानी है। लेकिन देखो यह सलाद कितनी जल्दी बढ़ गया। मेरी राय में ये एक असली चमत्कार है। अब मैं इसी से अपने सलाद बनाऊंगा। हाँ, दादाजी को सब्जियों को संभालना नहीं आता है। ऐसा क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? मैंने सुना है कि सभी सलाद में क्रैकर्स पसंद करते हैं। तो मेरे पास कुछ ब्रेड है, मैं इसके ऊपर टमाटर सॉस और बीन्स डालूंगा। ओह, यह कितना घिनौना दिख रहा है। ऐसा क्यों? मैंने इस डायनासोर के रहने के लिए एकदम सही जगह बनाई है।
यहाँ घास है और एक चट्टान है, सब कुछ जिसकी जरूरत है। जरूरी बात यह है कि बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि यह सलाद किसी भी अन्य सलाद से बेकार है, तो मेरे पास अभी मौका है। सबसे पहले उन सभी सब्जियों को एक साथ इकट्ठा करना होगा और उन्हें टुकड़ों में काटना होगा। ऐसा करना बहुत आसान है, लेकिन एक नियमित साधारण सलाद बोरिंग होगा। यहाँ मॉडर्न आर्ट की शैली में एक सलाद बनाना होगा। अब इसकी बात ही कुछ और है, देखो कितना सुंदर है। शेफ, क्या आपको पसंद आया? नहीं, मुझे वह सलाद पसंद है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले प्लेट को सॉस के साथ चिकना करना होगा। इसके बाद ब्लैक ब्रेड को छोटे टुकड़ों में पीसने के लिए ब्लेंडर में डाला जाना चाहिए। सॉस पर इन टुकड़ों को डालना चाहिए और अब सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। मैं उन्हें ऐसे लगाऊंगी मानो वे इस सॉस में उगे हों, यानी जमीन से। मेरी राय में ये एक बहुत ही अलग सा आइडिया है। इस तरह दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट में सलाद परोसा जाता है। विकी, अब विनर को चुनने का समय है। वाह, सब कितना अच्छा लग रहा है, पर दादाजी ने जो तैयार किया है मैं उससे शुरू करूंगी। वाह, कितना कूल और विशाल डायनासोर, पता नहीं किस चीज से बना है। वाह, चॉकलेट, और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, और यह किस तरह की चट्टान है? छी, लेकिन ये एकदम बेकार है, मुझे बीन्स पसंद नहीं है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। ओह बहन, तुमने बेकार में अपना समय इतने दिनों तक आर्ट स्कूल में बर्बाद नहीं किया, अब तुम सब्जियों से भी ड्राइंग कर सकती हो। मैं खासकर तुम्हारे लिए कोशिश की है। वाह, लेकिन शेफ का सलाद सबसे अच्छा लग रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ, मेरा चम्मच कहाँ है? हाँ, यहाँ। यहाँ सब सिर्फ हरी सब्जियाँ हैं, मुझे उससे नफरत है। क्या? चलो, तुम अभी बहुत छोटी हो। बहन, मैं तुम्हें तुम्हारी जीत पर बधाई देती हूँ, मुझे तुम्हारा सलाद सबसे ज्यादा पसंद आया। यम्मी। अरे, मैं आज सच में लकी हूँ, एक असली शेफ की तरह महसूस हो रहा है।